नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से विवादों के साए में हैं। जी हां, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को ही कूड़े का ढेर कह दिया है। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस एक बेकार की चीज है, ये महज एक कूड़े का ढेर है। जी हां, ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस को ये विश्लेषण दिए जाने पर काफी आपत्तियां भी खड़ी हो गई हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि वो राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते भी हैं या फिर नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप गलती से राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको बता दें कि गोल्फ मैगजीन ने इस हफ्ते के अपने विशेष अंक में ये सभी जानकारियां दी हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने न्यूजर्सी स्थित अपने क्लब में गोल्फ खेलने के दौरान ये सारी बातें कही हैं। ट्रंप ने क्लब के बाकी मेंबर्स के सामने कहा कि मैं यहाँ वेस्टमिंस्टर इसलिए आता हूँ क्योंकि व्हाइट हाउस असल में एक बेकार की चीज है। ट्रंप के इस बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद भी व्हाइट हाउस से फिलहाल कोई सफाई या फिर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।